झारखंड में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर लगातार सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के केस हैं वो करीब 3000 के आसपास है और करीब दोगुना लोग स्वस्थ हुए हैं। और ये आंकड़ा लगभग पिछले हफ्ते भर से देखने में आ रहा है कि संक्रमण से करीब दोगुना तीन गुना लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन सब्जी मंडियों में थोड़ी सी लोगों को और ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं जो जरूरी है कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। तो ये लोगों को थोड़ी समझने की जरूरत है। सरकार ने सख्तियां लगाई है, इसके बावजूद लोग जो गाइडलाइंस है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो जागरूकता का परिचय पिछले कुछ दिनों से झारखंड के लोगों ने दिया है, उस जागरूकता और संयम के परिचय को आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है। क्योंकि जहां लगातार कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा था, वैसे में लोगों ने अपने संयम और जागरूकता के जरिए ही जो हम कह सकते हैं उस आंकड़े को घटाने में सरकार को मदद की है, जन सामान्य को मदद की है। तो अब भी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण का जो चेन लगातार पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी बढ़ रहा था उसको रोकने की जरूरत है। और उसमें सरकारी दिशा निर्देश जो लागू किए गए हैं उसका तो पालन करना ही है, साथ ही साथ लोगों को अपने स्तर पर भी संयम और जागरूक रहने की जरूरत है। इस बीच रांची में आज से जो वैक्सीनेशन युवाओं का चल रहा था उसमें जो केंद्र की लगातार मांग उठ रही थी कि केंद्र काफी कम है और लोगों की भीड़ बढ़ रही है और लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, वैसे में एक प्रयास किया गया है और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं में उत्साह भी दिख रहा है और लोग लगातार वैक्सीनेशन के लिए आगे आने आ रहे हैं और लगातार जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार।